आज मैं बनाने जा रही हूँ अलसी की ड्राई चटनी यानी फ्लैक्सीड चटनी। ये 250 ग्राम है, इस तरह रहता है। इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे, वो ही बताऊंगी मैं आपको किस तरह ड्राई रोस्ट करना है। बिल्कुल भी जलाना नहीं, धीमा आंच में रख के इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी आप लोगों को बताऊंगी मैं। सूखी लाल मिर्च पाउडर, आप इसकी जगह सूखी लाल मिर्च भी ले सकते हो, ठीक है, के हिसाब से आप कम या ज़्यादा ले सकते हो। 3 टेबलस्पून के करीब ले ली हूँ मैं। इसी में जाएगा लहसुन, इस तरह का एक बड़ा वाला छिलका हटा के इस तरह करके रख ली हूँ मैं, थोड़ा ज़्यादा जाएगा लहसुन। इसी में जाएगा बिना डंठल के हरा धनिया को डालना है, इस तरह होना चाहिए। इसको धो के सूती कपड़े में सुखा के रख ली हूँ मैं, इसको बाद में रोस्ट कर लेंगे। 1 टीस्पून है मोटा वाला नमक, आप चाहे तो बारीक भी ले सकते हो, टेस्ट करके इसको आप मिला सकते हो नमक। ड्राई रोस्ट करने के लिए चलेंगे। गैस में पतीला रख ली हूँ मैं, आप चाहे तो कढ़ाई भी रख सकते हो, तला मोटा होना चाहिए, हेवी बॉटम वाला कढ़ाई लीजिए। इसको धीमा आंच रख के ड्राई रोस्ट करेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आप इसको ध्यान से देखिए भुनने का तरीका, इसको ये मत लगातार चलाते हुए इसको भून लेंगे, तभी फूल के मोटा हो जाता है, तब भी इसको निकाल लेंगे। तब तक इसको लगातार चलाएंगे, गैस का फ्लेम धीमा रख के ही चलाना, वरना ऊपर जल जाएगा, अंदर कच्चा ही रह जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। बहुत फ़ायदेमंद है ये हेल्थ के लिए। चटकना स्टार्ट हो चुका है, इसको लिड से क्लोज कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे, इस तरह फूलना चाहिए। प्लेट में निकाल लियो मैं, इस तरह थोड़ा फूल जाता है, तभी इसको निकालना, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं। दूसरे बैच भी डाल देंगे, इस तरह थोड़ा थोड़ा डाल के भून के बताती हूँ मैं। गैस का फ्लेम धीमा रख के इसको भून लेंगे। इसी के साथ आप मिर्ची का पाउडर की जगह लाल सूखी लाल मिर्ची को डाल के इसी के साथ रोस्ट कर सकते हो, वो भी भून जाएगा इसके साथ साथ में। मैं होममेड वाला चिल्ली पाउडर है वो, चटकना स्टार्ट हो चुका है, इसको निकाल लेंगे। इसी में डाल देंगे धनिया पत्ती को, इसको भी थोड़ा भून लेंगे। ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, गैस को कर देंगे बंद, इसी में रहने देंगे। लहसुन को भूनने की जरूरत नहीं, इस तरह भूनने से शेल्फ लाइफ चटनी का बहुत ज्यादा दिन तक रहेगा, नमी खत्म होने तक। इसको अच्छे से भून ली हूँ मैं, गैस को बंद कर ली हूँ मैं, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस अलसी को भी ठंडा हो चुका है, इस तरह होना चाहिए, गर्म में बिल्कुल भी नहीं ग्राइंड करेंगे। एक मिक्सी का जार लेंगे, नमी नहीं रहना चाहिए मिक्सी का जार भी, आप इसको कपड़े से पोंछ लीजिए, थोड़ा थोड़ा डाल के पीस लेंगे। इसी के साथ डालेंगे लहसुन, नमक, हरा धनिया, इस तरह हो गया है, इस तरह होना चाहिए, पूरा ड्राई हो चुका है, नमी खत्म होने तक इसको भून लेना है। इसको ग्राइंड कर लेंगे चिल्ली पाउडर डाल के। मैंने जो अलसी ली थी वो थोड़ा ज़्यादा है क्वांटिटी है, इसलिए मैं दो बार डाल के ग्राइंड कर रही हूँ मैं। आप चाहे तो एक ही बार में ग्राइंड कर सकते हो। इसको बारीक करके पीस लेंगे बिना पानी के, इसको रुक रुक के चला रही हूँ मैं मिक्सी को, एक साथ नहीं चलाएंगे, रुक रुक के चलाना है, पल्स के बटन पर।
प्रेस करते हुए इसको चलाना है। इसको एक तरफ इस तरह मिक्स कर लेंगे एक बार सूखे चम्मच के मदद से। खुशबू बहुत अच्छी खतरनाक आ रही है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, आप इसका टेस्ट नहीं भूल पाएंगे। बहुत हेल्दी भी है ये, खाने में इतना टेस्ट है। और थोड़ा पीस लेंगे इसमें, थोड़ा बारीक कर लेंगे। इतना हो गया है, बस इसको निकाल लेंगे, एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे। इसी में थोड़ा बचा लेंगे, इसी में बचा हुआ अलसी को डाल के ग्राइंड कर लेंगे। ये भी ग्राइंड हो चुका है, इसको निकाल लेंगे इसी मिक्सिंग बोल में। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दूसरे को। आप इसको एयरटाइट कंटेनर में ठंडा होने के बाद स्टोर कर सकते हो, बाहर 10 से 15 दिन भी आराम से चल जाएगा, फ्रिज में तो 1 से 2 महीना भी चल जाएगा। आप इसको जब भी खाने के लिए जो निकालेंगे ना चम्मच, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, गीला चम्मच बिल्कुल भी नहीं डालना। रोज़ाना एक चम्मच आप डेली डाइट में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छे से मिक्स कर ली हूँ मैं, आप इसी स्टेज में नमक मिर्च भी टेस्ट करके मिला सकते हो कम लगा तो। इस तरह एक एयरटाइट कंटेनर लेंगे जार, हो सके तो आप कांच का ही जार लीजिए। इसको भर लेंगे। आप देख सकते हो हमारा मज़ेदार हेल्दी फ्लैक्स सीड यानी अलसी की चटनी बनकर तैयार हो चुका है। इसको दही के साथ भी खाया जाता है, इडली डोसा चपाती राइस के साथ भी, आप बिना दही के भी इस तरह साइड में रख के भी खा सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, इसको ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। मेरी रेसिपी देखने वालों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।